आखिर क्या कारण अभी आप दुकान नहीं खोल रहे? दुकान लाइन के वजह से सर जी, अभी तक देखिए ना पानी है या ना लाइन है, तो हम लोग किस पे दुकान चलाएंगे? आपका तो दुकान नहीं लग रहा, भाड़ा आप कैसे दे पा रहे हैं? क्या करेंगे, घर से देना पड़ा, हम लोग रोज जो थोड़ा बहुत कमाई करते देते हैं। दुकान कुछ सड़ गया, उसको बनाने का वादा भी किया था, आते बना नहीं है। दुकान टूटा हुआ दुकान कौन भाड़ा देने जाएगा? दुकान सड़ने आ गया, सड़ने का नाम आ चुका है। कोई दुकान एक दो तीन कोई नंबर सड़ने के आ चुका है, नंबर में आ गया है, उस दुकान को भाड़ा दो तो उससे बुड़वा की कोई नहीं है। देखिए तो ऐसी है व्यवस्था है, जहाँ दुकान तो बन गई है, ताला वाला कुछ है नहीं, देखिए पूरा अनलॉक है। सर जी जब शटर खुला रहेंगे तो कोई भी आके कुछ भी जुआ खेल सकता है, आम आदमी कोई भी, कुछ अपराधी किस्म का आदमी भी आके सो जाते हैं, हम लोग तो रात भर पहरा नहीं देंगे ना। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। यह भालूवासा पुल में बनाई गई 53 दुकानों की जरा हालत तो देखिए, जहाँ जगह जगह पर कीचड़ हो गए हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही है, जगह जगह पर दारू की बोतलें फेंकी गई है। यह दुकान कम नशेड़ियों का अड्डा ज़्यादा लग रहा है। दुकान तो बन ठन कर तैयार है, पर इनकी सुरक्षा की बात करें तो इनकी लॉक भी टूटी हुई है। लगभग 4 साल हो गए बन के, लेकिन यह जर्जर होती हुई नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि 26 दुकानों का आवंटन हुआ है, लेकिन दुकान नहीं लगते हैं। इसका कारण क्या है, इस वीडियो में देखें। हम जहां उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं यहां 53 दुकान बनाए गए थे, जहां 26 दुकानों का आवंटन हो चुका है, लेकिन आखिरकार जो 26 दुकानें जो आवंटन हुई है तो लोग यहां दुकान क्यों नहीं लगा रहे, और जो दुकानें बची है वो दुकानें कब लोगों को मिलेगी? अब देखिए दृश्य, 53 दुकानें यहां लगाई गई है, उसमें से 2 या 3 ही दुकान जो है आज खुली है। हमारे साथ एक दुकानदार है, जो उनकी दुकान आप देख सकते हैं फास्ट फूड है, लेकिन वो क्यों नहीं खोल रहे? आखिरकार अगर इतने अच्छे जगह पर दुकान मिली है, आखिर क्या कारण है अभी आप दुकान नहीं खोल रहे? दुकान लाइन के वजह से सर जी, हमने पूजा का पहले भी हम लोग को लाइन दिया, बोले थे दे देंगे बोल के, हम लोग गए भी थे कई बार, तो हम लोग को ट्रेड लाइसेंस मांगा जा रहा है। जब जेनेसी द्वारा हम लोग को भरण पोषण के लिए दुकानें दी गई है, हम लोग ट्रेड लाइसेंस क्या होता है हम लोग जानते भी नहीं है सर जी। जब हम लोग को एक जन दुकान दे दिया तो हम लोग तो खोलने के लिए रेडी थे, तो अभी तक देखिए ना पानी है या ना लाइन है, तो हम लोग किस पे दुकान चलाएंगे? इससे पहले कब बात हुई थी पानी और लाइन को लेकर? इससे पहले कम से कम 5 महीना पहले। तो जेएनएससी के पास गए थे आप लोग? हाँ, जेएनएससी के पास तो सर हम लोग दो महीना का भाड़ा भी दे चुके हैं। भाड़ा भी दे चुके हैं? हाँ। मतलब आपका तो दुकान नहीं लग रहा, भाड़ा आप कैसे दे पा रहे हैं? क्या करेंगे, घर से देना पड़ा, हम लोग रोज जो थोड़ा बहुत कमाई करते देते हैं, और अभी तक ना पूजा का पहले बोला था, हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग का दो यहाँ दुकानदार, तो उनको बोला जाता कि आप लोग के पास ट्रेड लाइसेंस है। तो बताइए ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, हम लोग को अभी तक पता नहीं है। जब हम लोग जेनेसी से हम लोग को दुकान मिला हुआ है, जब हम लोग पूरा सोचे कि हम लोग का नाम में है, तो हम लोग को दुकान खोलने का इजाज़त मिल गया था, और हमने लाइन के लिए भेजे थे, तो लाइन बोल रहा कि ऐसा नहीं मिलेगा, ट्रेड लाइसेंस दिखाइए। तो आप बताइए हम लोग का ऐसा दुकान बंद करके भाड़ा देते रहे? मतलब इस दुकान से आपको इतनी सुविधाएं मिल रही है कि आप खाली भाड़ा दे पा रहे हैं? कुछ उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्या धंधा चलेगा, दुकान बंद करके देना पड़ रहा भाड़ा, 2 महीने का दिए हैं अभी तक, तो सर कमाई नहीं तो कहाँ से भाड़ा देंगे। उसीलिए हम लोग आपसे माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जिसको सर को भी और जहाँ जिसको से हमें लाइन मिल सकती है, उनसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हम लोग को जितना जल्द हो सके लाइन का मुआवजा करा दीजिए। तो देखिए इनकी विनती जरा सुन लीजिए, आप दुकान तो दे दिए हैं लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से नहीं दी है, जहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए भाई साहब के फास्ट फूड है, अगर यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो ये अपने सामानों को लोगों से कैसे आकर्षित करेंगे, लोग इनके दुकान पर कैसे आएंगे? क्या अंधेरे में आएंगे, क्या अंधेरे में बैठ कर खाएंगे? वैसा तो नहीं होगा ना, आप तो भाड़ा ले रहे हैं, तो फिर दुकान कुछ सड़ गया, उसको बनाने का वादा भी किया था, आते बना नहीं है। दुकान टूटा हुआ दुकान कौन भाड़ा देने जाएगा? दुकान सड़ने आ गया, सड़ने का नाम आ चुका है। कोई दुकान एक दो तीन कोई नंबर सड़ने के आ चुका है, नंबर में आ गया है, उस दुकान को भाड़ा दो तो उससे बुड़वा की कोई नहीं है। मतलब ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, दुकान बना भी नहीं है अच्छे से, मतलब सड़ने की तादाद। दुकान बन चुके हैं सर, ऐसा बात नहीं है, दुकान बनी हुई है, दुकान अब रहते रहते अब दुकान नहीं खोल रहे, वहाँ पेशाब खाना है, मूत्र लाए है, वहाँ पेशाब कर के 2-3 दुकान, 1-2-3 ये हमने जेनेसी में हम लोग को आवेदन भी दिए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग इसका उपाय कर देंगे, लेकिन आज 6 से 7 महीना हो गया, इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मतलब बस बना के रख दिया, आप जो समझिए समझिए, बस ताला भी टूटा हुआ है, कुछ दुकान वो सब। आइए दिखाइए, आइए देखिए तो ऐसी है व्यवस्था है, जहाँ दुकान तो बन गई है, ताला वाला कुछ है नहीं, देखिए
पूरा अनलॉक है, जाइए खोलिए जो करना है कीजिए। देखिए पूरी तरह से टूटा हुआ है, लॉक कहाँ करेंगे भैया, आप बना तो दिए हैं, अपना सामान जो वहाँ रखेंगे दुकानदार कि मेरा सामान सुरक्षित रहे वो चीज़ है कहाँ। देखिए ये आप दुकान तो बना दिए, जो सुरक्षा के लिए जो लॉक होती है वो लॉक है कहाँ, जो दुकानदार अपने सामानों को रखेंगे कि मेरी सामान पूरी तरह से सुरक्षित रहे वो रहेगी कहाँ, जो देख सकते हैं लॉक पूरी तरह से टूटा है। इस पर क्या कहेंगे भैया, लॉक टूटा हुआ है? देखिए लॉक टूटा है, उस समय जब हम लोग का विवाद चल रहा था जेनेसी के द्वारा ये तोड़ी गई थी जी, कब्जा किया बोल के, उस समय किसी को दुकान का मिले ही नहीं थे पेपर। अब क्या है, लॉटरी होने के बाद 3 साल बाद हम लोग को दुकान दिए उनके, हम जो स्पेशल ऑफिसर थे हम लोग का, आपका उनसे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग को रोजी रोटी दिया गया था। तो भाई साहब दिखाते हैं जो यहाँ 53 दुकानें जो बनी थी उनकी स्थिति क्या है, उस जगह की स्थिति क्या है। देखिए स्वच्छता के नाम पर जो अनेक योजनाएं आती कि स्वच्छता करना है, लेकिन उसकी स्थिति देखिए किस तरह कीचड़, और आप देख सकते हैं ये दुकानें बनी है, देखिए दुकान की हालत क्या है, दुकान 4 साल नहीं हुए बने लेकिन सड़ती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं नाली कचरा, यहाँ इतनी दुर्गंध आ रही है कि आदमी दुकान लगाए तो लगाए कहाँ, दुकान लगाए के फ़ायदा क्या, कस्टमर आएंगे, इतनी इतना साफ है क्या, यहाँ कस्टमर पहुँच पाएंगे। देखिए स्थिति देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और यह दुकान है, बताइए आप ही कमेंट सेक्शन पर आप ज़रूर बताइए कि क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए दुकानों की, बताइए कि दुकान तो बना दिया है लॉक या टूटा हुआ, तो क्या कहेंगे। हम तो बस यही बोलना चाहते हैं कि लोग तो जेनेसी वाला बना देगा बोला, अब तक बना रहा जो बना रहा, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पर पानी का ना व्यवस्था है ना लाइन का व्यवस्था है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हाँ, खास करके तो बिजली, बिजली मिलेगा तब ना दुकान चलाएंगे। हर महीना भाड़ा के लिए बोलता है, तो भाड़ा तो हम लोग देंगे ही, लेकिन यहाँ पर बिजली कितना बार भाड़ा दिया अभी तक? दो महीना का दिया के लिए। हाँ, और अभी क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हम लोग को दिक्कत यही हो रहा है कि बिजली और पानी। कब से दौड़ रहे इसके लिए आप? इसके लिए दौड़ रहे हम लोग बहुत पहले से, करीबन एक साल नहीं, कम से कम 6 महीना दौड़ रहे। और क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? हर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई साहब जेनेसी, आपने तो यहाँ 53 दुकानें बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा दी है, बना तो दिए लेकिन रहेगा कौन, क्या सुविधा दी आपने कि यहाँ रहेगी, जो भी दुकानदार जो दुकान अपनी लगाएंगे बिजली के बिना वो कैसे अपने चीज़ों को दिखाएंगे और लोगों को आकर्षित करेंगे कि भैया आइए हमारे दुकान में, फास्ट फूड की दुकान है, आइए एग रोल खाइए, चाउमीन खाइए, वो कैसे होगा आप ही बताइए। एक आदमी एक कहीं से भी गांजा उंजे पी पा के यहाँ सो जाता, हम लोग कई बार लड़ाई झगड़ा भी किए उन लोग के साथ। एक आदमी यहाँ दुकान का ये लॉक नहीं होने का कारण दुकान खोल के सोते सोते यहाँ मर भी गया, उनका भी हम लोग को बहुत बड़ा आपका क्या बोलेंगे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन लोग का साथ भी हम लोग को लड़ के थाना पुलिस भी हो चुका है कि दुकान में सोया था। तो सर जी जब शटर खुला रहेंगे तो कोई भी आके कुछ भी जुआ खेल सकता, आम आदमी कोई भी, कुछ अपराधी किस्म का आदमी भी आके सो जाते हैं, हम लोग तो रात भर पहरा नहीं देंगे ना जी। अगर लॉक रहती तो हम लोग सब अपने जितना 23 दुकानें मिली है लॉक कर देते हैं। देखिए यह वही लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, अगर आज ये मेहनत करेंगे तो अपने उनके घर में चूल्हा जलेगा, वो अपने बच्चों को अच्छे से खान पान करा पाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। लेकिन आप तो 53 दुकान यहाँ खोल दिए हैं, लेकिन उनकी सुविधा कहाँ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो सड़ती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आप देख सकते हैं ताला जो लॉक है वो लॉक टूटता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, भैया बिजली नहीं है तो हम कैसे अपने दुकान को आकर्षित करेंगे, कैसे अपने सामानों को लोगों तक पहुँचाएँगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है। तो आपने 53 दुकान तो बना दिया लेकिन उनकी सुविधा कहाँ है, कहाँ है? तो इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद अपने सहयोगी संजना के साथ। जय हिंद।